एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पानी के नीचे 3 महीने तक रह सकती है, इसलिए इसमें क्रू मेंबर्स के लिए इतने टाइम का खाना स्टॉक में रखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने टाइम तक इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो आपको बता दें कि एक सबमरीन पर 2 तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा सकती है। सबसे पहले तो पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है तब एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है और उसी ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट करके बाद में पूरी सबमरीन में फ्लो कराया जा सकता है। दूसरी मेथड के अंदर एक ऑक्सीजन कैंडल का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, हर जलने वाली चीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। जब सोडियम क्लोराइड को जलाया जाता है तब ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी मेथड से सबमरीन पर ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है।